कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद भी किसानों को उसकी इच्छा के मुताबिक सोयाबीन पर उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही किसान न्याय यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसान वोट बैंक नहीं है, किसान वो है जो देश और प्रदेश को चलाता है। मध्य प्रदेश में किसान मेहनत करता है तब सबको दाल रोटी मिलती है। शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। उन्होंने सोयाबीन की फसल पर मात्र कुछ रुपए बढ़ाए हैं, इसका मूल्य 6000 रुपए क्विंटल किया जाना चाहिए। किसान वोट बैंक नहीं है, किसान वो है जो प्रदेश और देश को चलाता है। 70-75% किसानी होती है मध्य प्रदेश के अंदर, और जब किसान की परचेजिंग पावर बढ़ती है तब आपको हमको दाल रोटी मिलती है, छोटी छोटी दुकान और उद्योग चलते हैं। ये आर्थिक जो की उसकी धुरी है, और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कृषि मंत्री किसान पुत्र जो किसानों की लंबी लंबी बात करते हैं वो विभाग है उनके पास। आप सोयाबीन का मूल्य 4000 से बढ़ा के 4892 कर रहे हो, उसका 17,500 रुपए खर्चा आता है एक एकड़ में, और 3 क्विंटल पैदा होती है, मतलब 6000 रुपए पर क्विंटल उसका खर्चा आ रहा है, और 6000 क्विंटल खर्चा आने से उसको मिला क्या, 1200 रुपए चले गए। 7000 रुपए पर क्विंटल दिया जाना चाहिए। नहीं, इन्होंने ऋण माफ की, कमला जी की सरकार ने ऋण माफी की थी, किसान की कमर टूट चुकी है, और उसके लिए शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जिम्मेदार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।